नमस्कार आदाब, आप हमें पॉलिटिकल एक्सप्रेस पर लाइव देख रहे हैं। बिहार के अंदर इस वक्त विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। जो मुख्य पार्टियां हैं बिहार के अंदर वो एक तो आरजेडी है, दूसरी जेडीयू है और तीसरी भारतीय जनता पार्टी है। ये तीन पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य वहां पर जो फेस हैं वो सुशील कुमार मोदी हैं, और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के जो फेस हैं वो है नीतीश कुमार, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और तीसरा जो आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहलाती है, उसके जो चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव हैं। इस वक्त जो बिहार के अंदर माहौल है वो इलेक्शन को लेकर गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं किसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव पर। कौन पार्टी कब्जा करेगी इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे सवाल हैं। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर मौजूदा हालात क्या हैं, किन आधार पर इस बार वोटर जो है वोट करने के लिए जाएगा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर बिहार चुनाव के अंदर इस बार वोट होगा। क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है, जो इस बार विधानसभा चुनाव है, वो बिल्कुल एक तरह से अलग तरह का चुनाव होने वाला है। अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं था कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बड़ी बड़ी रैलियां थीं उसके आयोजनों पर रोक लगाई गई हो। क्योंकि इस बार कोविड-19 का दौर जारी है, यानी कि कोरोना महामारी का दौर जारी है, और इसको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्पेशल गाइडलाइन चुनाव के लिए तैयार की हैं। स्पेशल गाइडलाइन में बड़ी रैलियां आयोजित नहीं की जा सकती, बड़ी सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती, सोशल डिस्टेंस का पालन करना हर राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो सबसे अलग चुनाव हो जाता है, और ये इस साल का आपको बता दें दूसरा चुनाव है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो था वो पहला विधानसभा चुनाव था, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर कब्जा किया था और बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता पे वापसी की थी। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ जहाँ जो कांग्रेस थी उसको बड़ी बुरी शिकस्त मिली थी दिल्ली के अंदर। यही कारण है कि इस बार विधानसभा चुनाव को, बिहार के विधानसभा चुनाव को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके अगर हिसाब से हम देखें और विधानसभा चुनाव को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, तो आपको समझना होगा कि पहले किस पार्टी ने कितनी सीट्स हासिल की थी। जो जनता दल यूनाइटेड थी, यानी कि जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी कहलाती है, उसे 28% वोट मिले थे इससे पहले वाले चुनाव में, यानी कि 2015 में उसे 28% वोट मिले थे और उसने 69 सीटों पर कब्जा किया था बिहार विधानसभा की। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है, उसने 54 सीटों पर कब्जा किया था और वोट प्रतिशत 22% का था जेडीयू बीजेपी के पास। और वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी थी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो कहा जाता है कि जब तक है समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, तो बिहार में लालू की जो पार्टी थी उसका वोट प्रतिशत 33% था और उसने 80 सीटों पर कब्जा किया था, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। आपको एक चीज़ समझनी होगी, बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर मामला है क्या कि बिहार के अंदर जो भी दो दल एक साथ रहते हैं वो मजबूत स्थिति में रहते हैं। जो जैसे जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े 2005 में, तब दोनों ने सत्ता पे कब्जा किया था। 2010 में जब ये दोनों दल एक साथ लड़े तो इन्होंने कब्जा किया था। वहीं 2015 में ये सिचुएशन बदल गई थी और बिहार में जो दो मुख्य विपक्षी दल थे, आरजेडी और जेडीयू, दोनों एक साथ आ गए थे। लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल हैं बिहार के अंदर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दोनों एक साथ आकर चुनाव लड़े थे। वहीं कांग्रेस उनके साथ थी, तो एक तरह से गठबंधन के तौर पर बिहार विधानसभा का जो था ये चुनाव हुआ था, और इसके अंदर आरजेडी ने बढ़त बनाई थी और दोनों ने मिलकर सत्ता संभाली। आरजेडीयू, जेडीयू और जो कांग्रेस थी उसने सत्ता संभाली, तीनों ने मिलकर सत्ता पर कब्जा किया था और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। जो कांग्रेस है
उसको वहां 10% वोट मिला था और 25 सीटों पर कब्जा किया था। एक सही प्रदर्शन था बिहार के हिसाब से, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है जिस हिसाब से, उस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर मतलब सही नहीं था एक हिसाब से देखा जाए। वहीं पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 2% वोट जो है बिहार का वोट शेयर वो लेने में कामयाब हुए थे। और आपको बता दें इंडिपेंडेंट 5 प्रत्याशी जो है विधानसभा पहुंचे थे, और LJP जो वहां पर CPIML है एक पार्टी, उसको 1% वोट मिले थे और उसने 3 सीटों पर कब्जा किया था। दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसने एक मतलब जो उपचुनाव था उसमें 1 सीट पर कब्जा किया था, और जो वहां पर वोट प्रतिशत था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो 3% था। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव में सबसे जो मतलब की बात है, जो सबसे पॉइंट की बात है, वो ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बिहार चुनाव के अंदर चुनाव लड़ेगी। और अभी तक उन्होंने जिस हिसाब से जो बताया है उस हिसाब से लगभग 30 से 34 या 35 सीटों के आसपास जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मतलब मेन एक तरह से कहा जाए तो सेकुलर फ्रंट टाइप का उन्होंने बनाया है, एक और पार्टी है उसके साथ मिलकर। अब असदुद्दीन ओवैसी और जो सेकुलर फ्रंट है उसमें कुछ दल हैं वो सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस RJD चुनाव लड़ेगी एक साथ मिलकर, तीसरी तरफ जो है JDU और BJP एक साथ चुनाव लड़ेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी है और JDU है जो इस वक्त सत्ता संभाल रहे हैं, भाजपा मतलब भाजपा गठबंधन कहना चाहिए या JDU गठबंधन या NDA गठबंधन जो है बिहार के अंदर, वो जो सत्ता संभाल रहे हैं उनका सीधा टारगेट इस बार चुनाव जीतकर और बिहार की गद्दी पर काबिज होना है। वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के अंदर नंबर एक पार्टी की तरह उभरे, क्योंकि हर दल जो है नंबर एक की लड़ाई लड़ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि इस बार नीतीश से थोड़ा भारी भरकम रह जाए, सरकार में अपना मजबूत शेयर होना चाहिए ताकि जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कद है वो और बढ़ता जाए, और ये सीधे तौर पर लोकसभा के चुनाव में भी बड़ा फायदा देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जहां से दिल्ली की जो राजनीति है उसको साधा जाता है, उस पर निशाना बनाया जाता है, और उसकी गद्दी तक पहुंचने के लिए इन दो प्रदेशों की जो राजनीति है वो बड़े मायने रखती है। आपको बता दें जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और पिछले विधानसभा चुनाव में जब लीडर थे, जो लीडर हुए उन्होंने, जैसे RJD के तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, या फिर कहें JDU के नीतीश कुमार हों, इन लोगों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, और उसी के आधार पर एक मजबूत बहुमत के साथ बिहार विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोकी थी। लेकिन बीच में जब तेजस्वी यादव पर कुछ आरोप लगे और उन आरोपों के बाद जो नीतीश कुमार हैं वो एक बार फिर पाला बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो लोग सोशल मीडिया पर डिस्कशन कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये सामने आता है कि नीतीश कुमार जो हैं पिछले 15 साल से बिहार विधानसभा चुनाव पर, बिहार विधानसभा के अंदर जो है कब्जा करे हुए हैं, उनके साथ इंटर इनकम्बेंसी जो विरोध है वो सामने आ सकता है। नीतीश का जो अपना चेहरा था सुशासन बाबू का, वो बिहार के अंदर जिस तरह COVID-19 के दौरान, बाढ़ के दौरान, बेरोजगारी के मसले पर, और जो अभी लॉकडाउन में पलायन को लेकर जो मामला हुआ था उसमें काफ़ी छवि खराब हुई है, नीतीश की अपनी छवि को धक्का लगा है। और जो तेजस्वी यादव हैं, जो RJD है, उसने भी एक तरह से सीधे तौर पर आरोप लगाए कि बिहार के अंदर हालात बेहद ख़राब हैं और नीतीश कुमार जो हैं बिहार को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, दो इंजन की सरकार है। तो कुछ आरोप जो नीतीश पर लगे, इसकी वजह से नीतीश की जो अपनी छवि थी, जो अपना करिश्माई चेहरा था, जो अपना करिश्माई जो उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को थोड़ा धक्का ज़रूर लगा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार अपना शेयर जो है सीटों का वो ज़्यादा रखना चाहती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बड़े नेता हैं या जो मतलब प्रवक्ता हैं
टीवी पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर सकती है। क्योंकि ये देखिए, अभी तो वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं, अभी नीतीश के नाम पर भाजपा और जो भी उनके सहयोगी दल हैं वो सहमत है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक जो निकल कर सामने आई है, जो बिहार के अंदर पासवान की पार्टी कही जाती है, मतलब उसके जो नेता हैं चिराग पासवान, मतलब वो इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से दोनों से मतलब खटपट थोड़ी उनकी महसूस हो रही है, देखने को मिल रहा है कि किस तरह वो जो है अपनी सीटों के शेयर को लेकर लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह उनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ सकें, उनकी जो जो सीट्स हैं वो बढ़े और वो बिहार के अंदर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करें। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर, वो ये है कि नीतीश कुमार का जो स्ट्राइक रेट है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा ख़राब रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उससे जिस हिसाब से भाजपा जीतती है, भाजपा चुनाव लड़ मतलब जैसे अगर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा तो भाजपा जो है वो 7 पर जीत हासिल करती है और नीतीश कुमार 6 पर हासिल करते हैं। तो ये होता है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट कहते हैं मतलब जितनी सीटों पर हमने चुनाव लड़ा और उन सीटों में से कितनी सीटें हमने जीती। तो ये स्ट्राइक रेट जो है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वो पक्ष में जाता है भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरा जो इस वक्त का मुद्दा है, जो इस वक्त नेशनल टेलीविज़न ने जिस मुद्दे को बनाया है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को बिहार का बेटे के तौर पर एक तरह से प्रचारित किया गया, पूरे इस मामले को बिहार से और बिहारियों से जोड़कर देखा गया। तो ये मामला जो है वो सीधे तौर पर भाजपा और नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी जितने भी आप जो लाइव रिपोर्टर्स हैं जो ज़मीन से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, आपको टीवी चैनलों की बात नहीं, यहाँ पर जो लाइव रिपोर्टिंग ज़मीन से हो रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो गुस्सा नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ साफ नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार से नाराज़गी नज़र आ रही है लोगों की। लेकिन इसके अंदर जो एक प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि ये भाजपा के लिए नाराज़गी नहीं है, ये नीतीश कुमार के लिए नाराज़गी साबित हो रही है। लेकिन इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलता दिखेगा, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं लगातार वो जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव होते हैं और राजनीति होती है उसमें एक दिन भी बड़ा मायने रखता है, यानी कि 2-4-5 घंटे भी बड़े मायने रखते हैं चुनाव का माहौल बदलने के लिए, चुनाव की स्थिति बदलने के लिए। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार का विरोध है थोड़ा इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ में लोगों को परेशानी हुई, जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को परेशानी हुई, उसका सीधा नुकसान नीतीश की छवि को देखने को मिल रहा है। और इस बार जो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, जो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और जो नीतीश के लिए सबसे फ़ायदेमंद सौदा है वो ये है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जेल के अंदर हैं, क्योंकि लालू की अपनी एक करिश्माई छवि है और लालू की करिश्माई छवि जो है वो चुनाव प्रचार में बड़े मायने रखती है, बड़ा बदलाव कर सकती है, जो बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो इस बार नीतीश के सामने लालू जैसा नेता, यानी कि लालू जैसा करिश्माई नेता जिसकी बिहार की ज़मीन पर पकड़ है, वो नेता इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ नहीं होगा, जिसका सीधा नुकसान आरजेडी को देखने को मिलेगा। और ये नुकसान आरजेडी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, जिस तरह से कैंपेन करते हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और बिहारियों से जुड़ी भाषा, जो ज़मीन से जुड़ी, गाँव से जुड़ी, देहात से जुड़ी भाषा है, वो लालू प्रसाद यादव किस तरह लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हैं, ये एक लालू के पास एक अपना एक अलग व्यक्तित्व है, एक अपनी लालू की छवि है, जो लालू जिस तरह से मजबूती के साथ ज़मीन पर जुड़ते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं और अपनी बात को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लालू के पास एक करिश्माई छवि है। जो लालू के सामने इस वक्त आरजेडी के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि लालू यादव मैदान में नहीं होंगे, और जेडीयू और भाजपा के लिए ये एक बड़ा मौका होगा कि किस तरह से वो इसको भुनाते हैं। क्योंकि जो लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लगातार नीतीश कुमार उसको लेकर बिहार की सत्ता पर काबिज रहे हैं, लगातार उसको भुनाने की कोशिश की है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार
और जो भाजपा थी वो अलग अलग हो गए थे, नीतीश आरजेडी के साथ गए थे और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। फिर आपसी कहासुनी हुई और उसी बीच दो इंजन की सरकार का लफड़ा शुरू हुआ और उस लफड़े में जो थे वो थे नीतीश कुमार थे, वो छोड़कर भाजपा के पाले में चले गए। उसी को लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के गुट ने कहा कि ये पलटू राम हैं और ये पलट कर दूसरी तरफ चले गए, तो उसका कुछ नुकसान बिहार के अंदर देखने को मिलेगा नीतीश कुमार को। फिलहाल जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि इस वक्त तेजस्वी यादव ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर हम 10 लाख नौकरियां जो हैं 10 लाख नौकरियों के लिए पहला साइन करेंगे, तो 10 लाख नौकरियों का करेंगे। तो ये लुभाने की जो बिहार के जो वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, क्योंकि बिहार जो है वो देश के सबसे युवा प्रदेशों में गिना जाता है क्योंकि वहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को जो टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव युवा वाली छवि अपना रहे हैं। और नीतीश कुमार पर पहले से कई बार उन्होंने हमले जो किए हैं वो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश जो हैं अब अपनी उम्र का पड़ाव पूरा कर चुके हैं, अब राजनीति से उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, अब बिहार की बागडोर किसी युवा को संभालनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव के लिए ये जो है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, युवा चेहरा। लेकिन जो नुकसानदेह होगा वो भ्रष्टाचार के आरोप, जो लालू के दौर में जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी उसके आरोप। लेकिन नीतीश के दौर में 15 साल की इंटर इनकम्बेंसी आरजेडी के लिए बड़ा फायदा साबित होगी, पर जो नीतीश के जो चेहरे पर इस वक्त जो परेशानी झलक रही है वो सीधे तौर पर देखने को मिल सकती है कि नीतीश कुमार जो पिछले बाढ़ या हो या कोरोना जैसी महामारी हो इन सब में जिस तरह की परेशानियां झेली हैं वो परेशानियां नीतीश को बिहार चुनाव के अंदर बड़ा नुकसान देंगी, बड़ा मतलब दिक्कत पैदा कर सकती हैं। आपको एक बात समझनी होगी, जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, 243 सीटों का ये जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें जो भी पार्टी अपनी बिहार की सत्ता पर काबिज होगी उसको सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो है बिहार के अंदर जो वोट पड़ता है वो वहाँ के लोकल मुद्दों के आधार पर, जातिवाद पर, और जो बिहारी कॉन्सेप्ट है, जो दिल से यानी कि इमोशनल जो कॉन्सेप्ट है उस पर वोटिंग होती है। तो बिहार के अंदर ये सारी चीज़ें मायने, और विकास और रोजगार जो है वो सबसे बड़ा पिछले कुछ दिनों से मुद्दा निकला, फिर किसानों का आंदोलन वाला मुद्दा निकला, तो उस पर आरजेडी को थी सीधे तौर पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन जो है वो तो बिहार की जनता को करना है, लेकिन जो मामलात हैं, जो इस वक्त बिहार के चुनाव की स्थिति है उसको सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। वहीं कांग्रेस जो है, एक बात साफ समझनी होगी आपको, कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा कुछ करिश्माई करती हुई मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि जिस हिसाब से अब प्रियंका गांधी के रोड शो होते हैं या प्रियंका गांधी के जो रैलियां होती हैं उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन जो COVID-19 के दौरान जो लोगों को इकट्ठा ना करना, बड़ी रैलियां ना करना, ये सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होंगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने जो अपनी तैयारी है वो पूरी कर रखी है और डिजिटल रैलियों के जरिए लगातार संबोधन जारी हैं। लगातार अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री जो हाल ही में घोषणा की थी उसका बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा और जेडीयू को कितना बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन जो टक्कर होगी वो सीधे तौर पर जेडीयू, भाजपा और कांग्रेस और आरजेडी के बीच होगी। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो है वो क्या करिश्मा कर दिखाते हैं पिता की गैर मौजूदगी में, क्योंकि तेजस्वी ने जो मुद्दे पकड़े हैं वो बेरोजगारी के पकड़े हैं, जो पलायन का मामला है, बिहार के लोग जो बाहर दिल्ली हो, गुजरात हो, जो अन्य राज्यों में जाकर पलायन करते हैं, उन पलायन के मुद्दों को जो है सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सप्रेस पर जुड़े हैं और बिहार से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। जो भी विश्लेषण होगा सीधी सच्ची और ईमानदारी की भाषा में आप तक पहुंचाया जाएगा, जो भी ज़मीनी हकीकत होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए आप पॉलिटिकल एक्सप्रेस के साथ अगर जुड़े हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा कवरेज आपको पॉलिटिकल एक्सप्रेस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से ख़त्म हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जिस तरह से इस मामलों को या इन सारी चीज़ों को मसाला, मिर्च मसाला लगाकर दिखा रही है, उससे सीधे जो जनता है उसको सही चीज़ और सही तर्क जो है समझ में नहीं आ रहे। इन तर्कों को पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेस आपके साथ
बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत करेगा, इसलिए पॉलिटिकल एक्सप्रेस के साथ बने रहिए और बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो फैसला होगा वो जनता का होगा। इस जनता के फैसले पर ना तो कोई टीवी चैनल उंगली उठा सकता है, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी उठा सकती है, इसलिए जो अभी तक है वो सिर्फ विश्लेषण है, वो सीधे तौर पर विश्लेषण के तौर पर मतलब हम बात कर सकते हैं क्या स्थिति है, क्या ज़मीनी हकीकत है, किस तरह से चुनाव के मूड बदलेंगे, किस तरह से जनता चाहती है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बता दूं आपको, जो बिहार के अंदर इस वक्त जो चंद्रशेखर रावण जो दलित नेता हैं भीम आर्मी के, वो उनकी जो एंट्री हुई है बिहार के अंदर, वो इस वक्त जो है वो बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। लोग मान रहे थे कि चंद्रशेखर रावण जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन जो वेद साहब हैं एक पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनके जो जो उन्होंने ज़मीनी हकीकत जानी है उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अब आगे किस तरह से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह से दलित वोटों को एकजुट करेंगे, किस तरह से दलित वोटों का समीकरण बैठा लेंगे। फिलहाल पिछड़ा वर्ग जो है, यादव वोट जो है, वो लालू यादव के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जो तबका जो है वो लालू के साथ जुड़ा हुआ ज़रूर है, लालू के कहने का मतलब तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा है, लेकिन जेडीयू के साथ नुकसान सीधे तौर पर यह है कि 15 साल की इंटर इनकम्बेंसी है, जो विरोध है 15 साल की सत्ता पर रहने का, वो तेजस्वी यादव फ़ायदा उठा रहे हैं उसका सीधे तौर पर। और जो पिछले बिहार में जो बाढ़ आई थी और जो ये लॉकडाउन में पलायन का मामला था और सीधे तौर पर जो बाढ़ में दिक्कतों का सामना हुआ, इन सब के बीच ये बड़े मुद्दे होंगे जो बिहार के अंदर चुनाव को जनता को वोट करने के लिए जो डिसाइड करना होगा उसके लिए बड़े मायने रखेंगे। फिलहाल जो है बिहार के अंदर कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कई ऐसे विश्लेषण सामने आ रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव को पल पल बदलेंगे। फिलहाल ताज़ा अपडेट के लिए आप पॉलिटिकल एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।